press the bell icon on the YouTube app and सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इस भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी भाई को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि ना सिर्फ चुनावों में हो रहे घोटाले की बल्कि जो मजहब के ठेकेदार हैं उनको भी एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं मैडम को अपने शो में, इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं इनके लिए, इनके लिए इनका नाम ही काफी है। तो मैडम, वेलकम टू द शो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति को उसके नाम की जरूरत होती है और ये भगवान राम का बहुत बड़ा रहम है, करम है कि भारत जैसे देश में मेरे जैसी मुसलमान लड़की इतनी ज्यादा रिनाउंड है, फेमस है। ये तो मोदी जी की कृपा है। बिल्कुल, ये आपके देखे ना, ये हर इंसान के अपने कर्म कहते हैं, कर्म होते हैं, उनकी एफर्ट होती है, उसकी कोशिश होती है। आपकी जो एफर्ट, आपकी जो कोशिश है, जो वहाँ की खास तौर पर महिलाओं के लिए आपने जो काम किया है, तो वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। वो उसके लिए मैं पाकिस्तान से भी आपका बहुत बड़ा समझे भाई भी हूँ, फैन भी हूँ, कि आप जिस तरीके से वहाँ पर इतने खतरात को मोल लेकर जो है वो सारा कुछ कर रही है, तो बहुत आपका धन्यवाद है, बहुत आपका जो है वो महिलाओं के लिए ऊपर एहसान है आपका। तो टॉपिक की तरफ आते हैं हम। आपको पता है कि हमारे जो कुछ नेता पाकिस्तान के अंदर भी और कुछ भारत के अंदर भी खाम खा हर चीज के अंदर इस्लाम को ठोंस देते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर किसी से भी पूछेंगे तो वो सबसे पहले जो है वो इस्लाम को बीच में लाएगा, मजहब को बीच में लाएगा, उसके लिए मुल्क बाद में होगा, उसके लिए हर चीज बाद में होगी। इसी तरीके से हमें नजर आ रहा है कि भारत के अंदर भी कुछ आपके जो लीडरान हैं, कुछ रहनुमा हैं, वो भी हर चीज़ के अंदर जो है मजहब को ले आते हैं। अभी हम हाल ही में हमने देखा कि जो एक हजाब को लेकर, बुरके को लेकर भी वहाँ पर एक तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। अवैसी जी जो है वो उनको अपनी जब हार, अपनी शिकस्त नज़र आ रही है कि वो अभी हारने की तरफ जा रहे हैं, तो वो इसको एक तरीके से लेकर जा रहे हैं कि जी मुस्लिम जो औरतें हैं, जो खवातीन हैं, वो हिजाब करके जाएंगी और वो वैसे ही वोट डालेंगी अगर उनके चेहरे से निकाब को हटाया गया उसकी पहचान के लिए। तो कैसे देखे ना, एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको कैसे पता चलेगा, आधार कार्ड के ऊपर उसकी अगर तस्वीर है तो उसने अगर निकाब किया गया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये आधार कार्ड जो खातून लेके आई है वो ये वही है। तो आप ये कैसे इस सारे मामले को देख रही हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है, आप खुद भी मुस्लिम हैं, कि एक तो चेहरे को बिल्कुल ढांप के जाना और दूसरा वोट डालने के लिए नकाब को ना हटाना, इस सारे मामले को वो कैसे ये मुतनाजा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे उनकी क्या हिकमत अमली, क्या आपको नजर आ रही है? हिजाब और नकाब तो सिर्फ एक बहाना है बोकस वोटर्स से मतदान करवाना है। अवेसी रजाकार फौज का आखिरी चश्मचराग 40 साल से जिस चेयर पर बैठा है, आज वो चेयर उसको डोलता हुआ नजर आ रहा है, आज वो चेयर उसको हिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के हलाल सर्टिफिकेशन से लेकर के बोगस वोटर्स तक उसके सारे काले कारनामे और काले चिट्ठे खुल चुके हैं। टोपी पहन करके, बिना मूंछ के दाढ़ी रख करके, गर्मी में शेरवानी पहन करके वो ये सबको बताता था कि वो बहुत ही सच्चा और पक्का मुसलमान है। पर जब 13 मई को उसका ही भांजा अराफात जब माँ बहन की गंदी गंदी गालियां औरतों को देता हुआ नजर आया, माँ बहन के उजू को घीटता हुआ नजर आया, जब माधवी लता जी की माँ, ज़ईफ माँ के प्राइवेट पार्ट्स को वो घीटता हुआ नजर आया, जिनको हम शब्द से और शब्दावली से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, सरे आम सरे बाजार माँ बहन की नीच और गंदी गालियां दे रहा था असदुद्दीन अवेसी का भांजा अराफात, तो अवेसी का चेहरा और भी सामने आ गया कि अवेसी कोई मुसलमान का सरबरा या मसीहा नहीं है, एक प्रो पॉलिटिशियन है और रजाकार के फौज का जो कार्य अधूरा रह गया था उस अधूरे काम को पूरा कर
करने के लिए अवेसी गाहे बगाहे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ साथ इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को मनवाने की और डंका पिटवाने की कोशिश में लगा रहता है। असदुद्दीन अवेसी वही अवेसी है जो रजाकार फौज का आखिरी चश्मो चिराग है। असदुद्दीन अवेसी वही अवेसी है जिसके मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। असदुद्दीन अवेसी वही अवेसी है जिसके मजलिस में और जिसकी तकरीर के बीच में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। असदुद्दीन अवेसी वही अवेसी है जिसकी तकरीर में 15 मिनट की मोहलत मांगी जाती है हिंदुओं का गला काटने के लिए। असदुद्दीन अवेसी वही अवेसी है जिसका छोटा भाई छोटा अवेसी वो पुलिस को कहता है कि माँ की दूध याद दिला देंगे अगर उसको भाषण के लिए रोका, पैंट गीली हो जाएगी, पुलिस पैंट में मूत देगा अगर अकबरुद्दीन अवेसी को किसी पुलिस ने रोका। मतलब इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशन को भी वो नहीं मानेगा, वो अपना रजाकार का जो एक फौज चला रहा है वो चलाएगा। अब क्या हुआ है कि ब्लेम गेम ओवर बुरका एंड हिजाब। अब देखिए मेरा मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि असदुद्दीन अवेसी अपने आप को भारत के मुसलमानों से लेकर के पाकिस्तान के मुसलमानों तक एक अपनी छवि बना करके रखा है कि वो मुसलमानों का मसीहा है। तो मैं इस्लामिक तरीके से ही आ जाती हूँ। जब हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाते हैं और जब एहरम पहनते हैं, तवाफ करते हैं, मर्द और औरत साथ में होते हैं जी। और एहरम जो पहनते हैं, एहराम जिसको कहा जाता है अरबी में, उसमें वजू जायज नहीं है अगर एहराम नाक से लेकर के आपके चिन तक ढका हुआ होगा, आपका चेहरा खुला हुआ होना चाहिए। चेहरा ढांप नहीं सकती खातून, कोई भी चेहरा अगर ढांपेगी तो उसका जो है ना वो एहराम टूट जाएगा, उसको दम देना पड़ेगा, उसको जुर्माना पड़ जाएगा जी। मैं सही हूँ क्योंकि आपके घर में भी हाजी होंगे और मेरे घर में भी हाजी है, बस बात सिर्फ इतनी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया, तो इसलिए मेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने भी अपने नाम के हज्जन या हाजी नहीं लगाया। हम पूरा प्रॉपर अल कुरान के हिसाब से चलते हैं, हम किसी इंसान के लिखे हुए हदीयत और सही अल बुखारी और बहिश्ती जेवर के हिसाब से नहीं चलते। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। मेरे पूरे खानदान में 200 से ऊपर हाजी हज्जन है, उन्होंने किसी ने भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तो हमें पता है कि एहरम जब पहना जाता है तो एहरम के वक्त में ये जो चेहरा है वो ढक नहीं सकता, ना वजू जायज होगा, ना दम पूरा होगा, ना तवाफ पूरा होगा, और ना ही वो पूरा प्रोसेस जो हज के दौरान होता है वो भी पूरा हो पाएगा। तो भैया जब आप मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में अपने सबसे बड़े अरकान को पूरा करते वक्त जब औरतें मर्द और औरत के साथ नमाज पढ़ती हैं, मर्द और औरत के साथ तवाफ करती हैं, और चेहरा ढकना मना है, गुना है, आपका हज होगा ही नहीं अगर आप चेहरा ढक दीजिएगा, तो आप किसको बेवकूफ बना रहा है अवेसी, किसको बेवकूफ बना रहा है। अब आती हूं मैं दूसरे मुद्दे पर। जब हम एयरपोर्ट में इन करते हैं तो उस वक्त क्या चेहरा ढका हुआ होता है और हमें ऐसे ही अंदर जाने दे देता है क्या, टिकट और वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड देख करके? नहीं देता है, चेहरा दिखाना पड़ता है, और सामने CISF वाला मर्द भी होता है औरत भी होती है, आप वहां पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते कि भाई किसी औरत को बुलाओ, मेरी बीवी का हिजाब उठा करके कोई औरत ही देख सकती है। तो असदुद्दीन अवेसी के घर की बीवियां, क्योंकि उसके पास तो बीवी नहीं है, बीवियां और बेटियां और बहुएं और नातियां और पोतियां जब जाती हैं एयरपोर्ट से, जब वो लोग ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट में उन लोगों का चेहरा नहीं देखा जाता है क्या? तब तो भाई नाजिया की जगह शैला जा सकती है, शैला की जगह तलत जा सकती है, तलत की जगह फातिमा जा सकती है, फातिमा की जगह मरियम जा सकती है, ये तो कोई भी जा सकता है भाई, चेहरा तो देखा ही नहीं जाएगा। अब आती है तीसरी बात कि हज और उमरा के लिए कहीं घूमना फिरना छोड़ देते हैं, क्योंकि बात अभी अवेसी की हो रही है तो घूमना फिरना छोड़ देते हैं। हज और उमरा के लिए ही जब हम इमिग्रेशन में खड़े होते हैं, जब हम वीजा लगाते हैं, जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं, तो चेहरा उठा करके इमिग्रेशन के वक्त में नहीं दिखाते हैं क्या? पासपोर्ट बनवाते वक्त क्या चेहरा वाला फोटो नहीं देते हैं क्या? देते हैं। तो देश के इतने बड़े निर्णय के वक्त में
देश के इतने बड़े फैसले के वक्त में, देश के इतने बड़े प्रक्रिया के वक्त में, देश के इतने बड़े उत्सव के वक्त में, देश के इतने बड़े फैसले के वक्त में हम कैसे नहीं चेहरा देखेंगे? हम तो चेहरा देखेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है, 2021 में मुजफ्फर भाई, मैंने खुद विधानसभा इलेक्शन पश्चिम बंगाल में चल रहा था, मैंने कितने नगमा की जगह नाजिम को पकड़ा है मैंने बुरके के अंदर। अच्छा। और शकीला की जगह शकील को पकड़ा है और शैला की जगह शब्बीर को पकड़ा है मैंने बुरके के अंदर से, मैंने पकड़ा है रंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा भारत की बेटी ने इस वीडियो की शुरुआत भगवान राम का नाम लेके की, इसे कहते हैं सही सनातनी और हिंदुस्तान की असली बेटी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, जहां पे नाजिया खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को बल्कि जो ओवैसी जैसे कट्टरपंथी हैं उनको भी एक्सपोज किया, जहां पे हैदराबाद से लेके वेस्ट बंगाल में बुरखे के नीचे काफी सारे घोटाले और गड़बड़ी हुई। तो इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।